हाय भाई लोग, क्या सीन है। मैं वैक्सीन है और क्या तो भी नया नया नाटक है तुम लोग का। क्या तो भी मेरे बारे में नई नई अफवाह फैला रहे कि मेरे को डाल लेने के बाद क्या तो भी तुम नपुंसक हो जाते, बच्चा पैदा नहीं कर पाते और क्या तो भी बीमारी लेके मर जाते। क्या दिमाग का कंगना रनआउट बना के बैठे क्या तुम लोग। हाँ, वो कोरोना वायरस दिन में 4-4, 5-5 हजार लोगों को मारने को जा रहा, उसको थोड़ी भी गाली नहीं दे रहे। उसके ऊपर तुम अभी क्या डॉक्टर लोगों को गाली दे रहे, मार रहे, हॉस्पिटल्स को गाली दे रहे, दवाई को, सरकार को। हाँ, और उसी कोरोना वायरस का क्या तो भी एक छोटा सा प्रोटीन ले ले को तुम्हारे बॉडी में आए तो वैक्सीन के नाम पे तुम्हारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते जी। और तुम देखे तो क्या तो भी नपुंसक 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 बोल ले के रो लेते बैठे ना। क्या है जी, वैक्सीन लगाओ जी, मंजे एक्सेप्ट करो जी। क्या तो भी मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर आए तो एंटीबॉडीज बना ले को तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन मिलता जी। और क्या तो भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता ना। हाउ जी, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद भी, मगर हुए तो भी बहुत माइल्ड रहता जी। ऐसा मछली की तरह ऑक्सीजन 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 बोल के तड़पने का नहीं रहता। और क्या तो भी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, प्लाज्मा डोनर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। सो ऐसा क्या तो भी टेंशन नहीं रहेगा। तुम इस आराम से घर में बैठ ले को, नेटफ्लिक्स देख ले को, मूवीज देख ले को, माइल्ड इन्फेक्शन से ही बच सकते जी। तुम्हार को मेरे बारे में सब सही से ही जानने का है ना, बोले तो जेन्यून और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानने का है ना, तो ये चैनल है डॉक्टर शिवम्स एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के जो डॉक्टर है ना, उन्होंने मेरे बारे में सब सही सही बोलते। तुम चाहे तो कोविशील्ड ले लो, कोवैक्सीन ले लो, स्पुटनिक ले लो, या कौन सा भी वैक्सीन ले लो, फाइजर मॉडर्ना, इन सब के बारे में सब बोले हैं। तो क्या है ना, इनका चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का और वीडियोज को देख लेने को। और उसके बाद क्या है, वो छोटा सा घंटी रहता ना, वो घंटी को भी बजा ले को जाना। उससे क्या है, तुम लोग को इन चैनल पे नए नए वीडियोस आए तो तुम्हारे को नोटिफिकेशन मिलता। और क्या मन जे, एक ही शॉट लगाते, दूसरा शॉट नहीं लगाते, दोनों शॉट लगाना है जी 3 महीने के अंदर, समझे जी। वो पहला डोज रहता है ना, वो प्राइमरी डोज रहता है। जब तुम पहला डोज लेते हैं ना वैक्सीन का, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज का बनाने का जो प्रोसेस रहता है ना, वो शुरू होता है। और जब तुम सेकेंड डोज लेता है ना, बूस्टर डोज लेता है ना, तब तुम आधे साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है ना, वो बरकरार रहता है। और आप प्रेगनेंसी का टाइम भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में वैक्सीन लगवा सकते हैं जी। और अगर आप स्तनपान करता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना, तो भी वैक्सीन लगवा सकता है जी तुम। और अगर पीरियड्स भी है तो भी वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीन लगवाने का बुरा पीरियड कभी है ही नहीं। और अगर ऐसा थोड़ा सा भी बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं ना, या थोड़ा सा भी 1-2 ग्लास शराब पीते हैं, तो भी क्या भी तकलीफ नहीं होता वैक्सीन लेने के टाइम पे, क्या भी तकलीफ नहीं होता। बस यही है कि वो रशियन लोगों के मार्फिक 2-2 बॉटल वोडका गटका के गटर में मत पड़े रहो। खुद खड़े नहीं हो पाओगे तो तुम्हारे बॉडी का एंटीबॉडी कैसा खड़े होगा जी। और हाँ, थोड़ा सा साइड इफेक्ट रहता है जी, थोड़ा सा बुखार हो जाता है, या फिर इधर जिधर वैक्सीन लेता है ना, उधर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा होता है। बट बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम लोगों को ऐसा सीरियस वाला साइड इफेक्ट होता है जी। 20 करोड़ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए तो उसमें से मुश्किल से 500 हजार लोगों को ऐसा सीरियस वाला साइड इफेक्ट होता है जी। अभी ये कोरोना वायरस है ना, 2 से 3% लोगों को मारने को जा रहा है। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए तो उससे ज्यादा लोग मरते। तो क्या है ना, ऐसे अफवाह नहीं फैलाने का है जी। तो थोड़ा जिंदगी का अहमियत रखना है जी। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, बहुत जरूरी है जी। खिड़की दरवाजा खुला रखने का है, घर पे वेंटिलेशन रखने का है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखने का है जी। तभी अपन लोग ये कोरोना वायरस का सेकेंड वेव है ना, इसको हरा पाएंगे और थर्ड वेव को आने से रोक पाएंगे। इसलिए इससे पहले कि कोरोना वायरस तुम्हारी ले ले, तुम मंजे ले लियो। क्योंकि क्या सीन है, में वैक्सीन है।